पुणे से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है, जिस पर मासूमों की रक्षा का जिम्मा था वो ही भक्षक बन गया। बच्चों के यौन शोषण के आरोप के बाद पुणे से एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया। एक मुस्लिम अनाथालय में ही बच्चों के यौन शोषण का आरोप है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की पहल पर कल आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी मौलवी रहीम ही इस अनाथालय का केयरटेकर था। अनाथालय से भागे दो बच्चों ने एनजीओ को आप बीती सुनाई, फिर कार्रवाई हुई। एनजीओ की मदद से पुलिस ने 36 बच्चों को छुड़ाया, इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हैरत की बात है कि अनाथालय में रह रहे ज्यादातर बच्चों के माँ बाप जीवित हैं और ये सभी बिहार के भागलपुर के हैं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हमने रेस्क्यू किया है, जो एक्यूज है वो अभी कब्जे में है। 36 बच्चे हैं ओवरऑल, पर 36 बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि दे ऑल आर फ्रॉम बिहार। दो तीन बच्चे हैं जो यहाँ के हैं। अनाथालय है बट अनाथालय में अनाथ बच्चे नहीं है, सबके पेरेंट्स हैं, सिर्फ 4-5 बच्चों के फादर नहीं है या मदर नहीं।